भाई साहब आपके पैसे नीचे गिर गए हैं। अरे यार ये क्या, ये पैसे तो नकली है। तुम्हें क्या लगा ये असली है? अगर असली होते तो हम खुद ना उठा लेते। ये क्या बेहुदा मजाक था, बेवकूफ इंसान, टाइम जाया कर दिया मेरा। अरे यार अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया वो? लगता है आ गया। पचपन पैंसठ, मगर यार ये तो वो मोटरसाइकिल ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ रह गया। यार कस्टमर ने लोकेशन दी ही भेजी थी, सेम लोकेशन है लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अरे ये क्या, मेरा इंटरनेट कैसे ऑफ हो गया? तो जी सर राइड आपने ही बुक की थी? हाँ राइड मैंने ही बुक की थी, एक मिनट रुको मैं जरा नंबर चेक कर लूं। नंबर तो यही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? वो सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी इसकी वजह से मुझे देर हो गई है। अब आप देर ना करें, जल्दी जल्दी बैठे मैं आपको पहुंचा देता हूँ। यार मेरे इंटरनेट तो 24 घंटे ऑन होते हैं, फिर ये अचानक से बंद कैसे हो गया? वो क्या रहा है? चलो चलें। ये नंबर इसके पास कहां से आया? अच्छा तो ये सारा कुछ इसकी वजह से हो रहा है, अभी जाके बताता हूँ इसे। ये ले सर आपकी लोकेशन आ गई है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप ऐसा करें आप मेरी पेमेंट दे दें, मैंने एक और सवारी भी उठानी है। हाँ दे रहा हूँ मैं तुम्हारे पैसे। कैश? अरे नहीं सर मुझे कैश नहीं चाहिए, आप एक काम करें पैसे मुझे कार्ड के जरिए पे करें। कार्ड के जरिए? यार ये बाइके वाले कब से इतना एडवांस हो गए, ये लो कार्ड। अरे सर दुनिया चांद पर पहुंच गई है तो फिर ये क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, ये ले अपना कार्ड। अरे ये क्या, तुमने मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए। शुक्र करो मैंने सिर्फ 50,000 रुपए निकाला है, मैं चाहता तो 1,00,000 रुपए भी निकाल सकता था, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। हरकतें हैं? क्या ना क्या चाहते हो तुम? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, जो हरकत आपने पेट्रोल पंप पे की है ना वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। भाई साहब 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। जी भाई साहब अभी डाल के देता हूँ। चल यार एक काम करते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। चलिए भाई साहब हो गया आपका 500 का पेट्रोल। बहुत शुक्रिया। अरे यार ये क्या, मेरे कार्ड से 50,000 रुपए निकल गए। देखो मेरे भाई तुम जानते भी हो कि उस शख्स ने वो पैसे कितनी मेहनत से जमा किए थे, और वो पैसे उसकी माँ के इलाज के लिए थे जो तुमने उससे उड़ा लिए हैं। तुम्हारे अंदर जरा भी एहसास नहीं है, और यार हम लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं रही, हम लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि हमने रोजे मैशर अल्लाह को भी जवाब देना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई साहब, मैं अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, आप हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं बल्कि उन लोगों से मांगो जिनके साथ तुम ये सब करते आए हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें माफ भी कर दें। बेशक हम लोग ऐसे बहुत से गलत काम करते हैं और लोगों का हक मारते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमने रोजे मैशर अल्लाह ताला को हर चीज का जवाब देना है। तो कुछ भी गलत करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।